हेलो फोक्स, वेलकम टू वोग वाइब्स इंडिया। मेरा नाम है कोमल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आई शेडो पैलेट का रिव्यू। यस, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटी ग्लेज गॉर्जिस मी आई शेडो पैलेट रिव्यू, एंड मैं आपको उसके सारी कलर्स के स्वॉचेस भी दिखाने वाली हूँ एंड हम करेंगे एक आई लुक विद दैट पैलेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देती हूँ पैलेट, ये है कुछ इस तरह से। इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है एंड पूरा ये ग्लिटर ग्लिटर वाला पैकेजिंग है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है ब्यूटी ग्लेज्ड गॉर्जियस मी आई शेडो ट्रे। ओके, और इसके पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं, तो अगर आप बाय करते हो तो आप सारा रीड कर सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मेंशन्ड हैं, प्लस इसका प्राइस जो है वो जब मैंने परचेज़ किया था तो 543 समथिंग था एंड विद शिपिंग पूरा 628 मुझे पड़ा था इसका टोटल प्राइस। कलर्स मिल जाएंगे एंड आई डोंट थिंक सो कि इस पैलेट के बाद आपको किसी भी शेड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको सारे ही शेड अवेलेबल हैं, रेड, ऑरेंज, पिंक, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, डार्क ग्रीन, कॉपर कलर, गोल्डन शेड, न्यूड, सारे ही कलर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। एंड अब मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन बता देती हूँ। तो पिगमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है, बहुत। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला शेड, ये बहुत बहुत ही प्यारा शेड है, ये स्वॉच करके दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही प्यारा कलर है। एक्चुअली इसमें ग्रीन ग्लिटर्स हैं एंड ये ब्राउनिश ग्रीनिश शेड है। ये वाला ये मैट शेड है एंड एक ये वाला। आप इन शेड्स को एज ब्रॉन्जर भी यूज़ कर सकते हैं, ये परफेक्टली फिट होते हैं एज ब्रॉन्जर भी। और ये वाला शेड बहुत ही प्रिटी शेड है, बहुत ही प्यारा मॉफ टाइप का कलर है। एंड यस, मैं आपको ये तीनों कलर स्वॉच करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट इज दिस, सी ये एक ही बार में जब पिक किए हुए हैं कलर्स एंड दिस कलर, सी मैट शिमर दोनों ही कलर्स की पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। एंड अब मैं आपको कुछ न्यूड शेड्स का स्वॉच दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला कलर, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर ही आपको किसी पैलेट में इतनी आसानी से नहीं मिलेगा एंड आपको आप इसको एज हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। ये पैलेट टोटली मल्टीपर्पज़ है, आप इसमें ब्लश भी मिल जाएगा आपको, ब्राउन्जर मिल जाएगा, ये वाला शेड। एंड ये वाला शेड, ओके, आपको ये तीनों कलर स्वॉच करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये वाला ग्लिटरी शेड, बहुत ही प्रिटी शेड है, और ये मैट कलर, ये पिक नहीं हुआ है थोड़ा सा, और ये वाला कलर बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही प्रिटी कलर है। एज हाइलाइटर आप इसे बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो येलो शेड है दैट इज़ टोटली वर्थ। येलो शेड होता ये है कि मोस्टली जो येलो शेड्स हैं वो आपको नहीं मिलते, आई शेडो परफेक्टली नहीं होते एंड सी द येलो शेड। ये आपको बहुत ही हाई एंड ब्रांड में ही इतना अच्छा येलो शेड मिलेगा, अदरवाइज सी। मैं आपको अभी ये स्वॉच करके दिखा दूंगी
एंड ये वाला थोड़ा सा लाइट येलो शेड है, आप इसको एज ट्रांजिशन शेड यूज़ कर सकते हो। उसमें येलो के भी 3-4 वेरिएंट्स दिए हुए हैं, ये रहा येलो एंड ये ग्लिटर वाला येलो एंड ये लाइट शेड ऑफ येलो। सी येलो कलर्स कितने प्यारे और कितने ब्राइट येलो कलर्स हैं। पर्पल कलर, पर्पल कलर से भी हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, तो वो भी इसमें बहुत प्रिटी है। एक ये वाला कलर, एक ये वाला कलर, और एक ये भी बहुत प्रिटी प्यारा सा पिंकिश कलर है, पिंकिश पीचेस कलर। और ये कलर बहुत प्रिटी है, मैं आपको ये सारे कलर्स स्वॉच करके दिखा देती हूँ। एक तो ये रहा, ओके, ये पिंक और ये लाइट पिंक और ये पर्पल एंड ये रहा ब्लू कलर। सी दिस ब्लू कलर, इट इज टू डाई फॉर, बहुत ही प्रिटी कलर है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी कलर है। तो मैंने आपको मोस्टली शेड्स स्वॉच करके दिखा दिए हैं, न्यूड शेड्स, डार्क शेड्स, आप इससे न्यूड आई शेडो क्रिएट कर सकते हो, स्मोकी आईज क्रिएट कर सकते हो, ब्राइट कलर शेड यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक ट्यूटोरियल इस पैलेट से अपनी आईज पर अभी करके बताऊंगी। मैंने अपना बेस रेडी कर लिया है, मैं बहुत ब्लैंक सी लग रही हूँ, आई नो, तो मैं इसी में से कुछ कलर्स लेके एक आई मेकअप क्रिएट करूँगी, सो दैट आपको आइडिया लग जाए ये आईज पर कैसा लगता है। तो लेट्स गो। एंड सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पहले से ही कि ये जो भी मैं आई लुक इससे क्रिएट करूँगी वो बिल्कुल ही अनप्लान्ड है, तो इट कैन टर्न आउट वेरी गुड एंड इट माइट नॉट टर्न आउट दैट गुड, क्योंकि मैं जस्ट आपको इसका कलर पिगमेंटेशन कलर पे ऑफ आईज पर दिखा रही हूँ। मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है कि मैं कैसा आई मेकअप करने वाली हूँ, तो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले तो आई एम टेकिंग दिस कलर एज माई ट्रांजिशन शेड। सो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये वाला पिंक शेड। सो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये वाला शेड, बहुत ही प्रिटी मॉव, डार्क मॉव कलर है। इससे मैं अप्लाई करूँगी अपने आई के आउटर वी पर। नेक्स्ट मैं सेम कलर को अपनी लोअर लैश लाइन पर भी थोड़ा सा स्मच कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैं कट क्रीज आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंसीलर ले रही हूँ अपनी क्रीज को कट करने के लिए। अपनी कट क्रीज में अप्लाई करूंगी ये दोनों आई शेडो। सो सबसे पहले आई थिंक आई शुड टेक दिस ब्लू वन, तो ये ब्लू आई शेडो मैं अपनी आईलिड के सेंटर में अप्लाई करूंगी, मीन्स मोर टुवर्ड्स माय आउटर वी। सो यहाँ पर मैंने दोनों ही शेड्स अप्लाई कर लिए हैं। अब मैं अगेन यही वाला शेड लेकर, दिस वन ये वाला शेड लेकर अपने आउटर वी पर अच्छी तरह से स्मच कर लूँगी, जिससे ये पूरा लुक एक साथ आ जाए।
नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये वाला शेड, बहुत ही प्यारा हाइलाइटिंग शेड है। इसे मैं अपने इनर कॉर्नर में अप्लाई करूँगी एंड लोअर लैश लाइन पर भी थोड़ा सा स्मच करूँगी। तो हियर इज़ द फाइनल आई लुक जो मैंने इस पैलेट से क्रिएट किया है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। एक्चुअली मैं सारे शेड्स आपको यूज़ करके नहीं दिखा सकती, सो मैंने कोशिश की है कि मोस्ट ऑफ़ द ब्यूटीफुल शेड्स मैं आपको अपनी आईलेट्स पर शो कर पाऊँ। सो आई होप आप सभी को ये वाला आई मेकअप पसंद आया हो। एंड आफ्टर यूजिंग दिस पैलेट फॉल आउट बिल्कुल भी नहीं है एंड बहुत ही क्रीमी है। एंड समटाइम्स होता है ना कि हम कोई आई शेडो अप्लाई करते हैं तो उसका कलर जो होता है वो डिफरेंट होता है या उतना अच्छा पे ऑफ नहीं होता, बहुत फेडेड कलर आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें जैसे कलर शो हैं वैसे ही कलर आपके आईज़ पर ट्रांसफ़र होंगे। एंड आई डोंट थिंक कि आपको कोई सेटिंग स्प्रे या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड और बहुत ही क्रीमी और ये कह लो कि एकदम परफेक्ट आई शेडो है। आप इसे ज़रूर 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 ख़रीद सकते हैं विदाउट एनी डाउट एंड इन सच लो कॉस्ट। आपको इतने सारे 63 शेड्स आई गेस इसमें 63 शेड्स हैं, मैट शिमर सारे ही शेड्स आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मिल रहे हैं। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आई होप ये रिव्यू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे। मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन को हिट कर देना जिससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। एंड मैंने अपनी इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एंड मेरी सारी ही वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। एंड टू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड दैट्स ऑल। सो मैं मिलूंगी आपको वर्क वाइब्स के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।